सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। L1BID ड्राई सिरप जो कि ये एक पीडियाट्रिक यूज के लिए रहता है, एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है। और इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो अमोक्सिलिन 200 mg एंड 5 ml लेता है, और कैल्विनिक एसिड इसके अंदर 28.5 mg एंड 5 ml रहता है। ये जो रहता है जो कि 30 ml में रहता है। और इसका MRP की बात करें तो इसका MRP 60.48 rupees रहता है, मतलब 61 rupees के करीब इसको MRP रहता है। तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि यूज होता है बहुत सारे केस में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में इसको यूज किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसका यूजेस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप इसे ज़्यादा लोगे तो आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और इसको कैसे यूज करने का है, और इसको यूज करने के बाद इसके अंदर जो ड्रग रहते हैं वो कैसे काम करेंगे, और आपको सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, और इसका डोज मिस हो जाए तो आप इसको कैसे लेंगे नेक्स्ट दिन, और इसको ये डॉक्टर रिकमेंडेड करने के बाद आपको Kelvon BID सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या रहता है वो जो भी स्टैंडर्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस वीडियो में संपूर्ण ये बातें शेयर की जाएगी, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आएगा कि Kelvon BID ड्राई सिरप किस काम आता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि एल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है, दो दवाइयों का ये मिश्रण से बनाया गया, जैसे कि अमोक्सिलिन 200 mg एंड 5 ml रहता है, कैल्विनिक एसिड 28.5 mg एंड 5 ml रहता है, और इसको स्टोरेज जो कि अगर आप परचेज करने के बाद आपको स्टोरेज इसको 30°C के अंदर रखना है, अगर आप घर पे बहुत इसको ओपन नहीं कर रहे तो फ्रिज में वगैरह भी रख सकते हो। और इसका MRP की बात करो तो 60.80 rupees इसका MRP और 30 ml का ये पूरा बॉक्स रहता है। तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, जैसे कि कान में हो सकता है, नाक में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, दांत में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है। तो उस केस में इसको रिकमेंडेड किया जाता है, और ये कैपेबल है जो कि बैक्टीरिया को मारता है और उसके रेसिस्टेंट कर देता है, उसके वो थेरेपेटिक यूज होता है वो कम कर देता है। तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और रेसिस्टेंट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस में, मतलब TB में भी यूज होता है। तो ये ट्रीटमेंट कैसे करता है कि TB का, तो ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है जो कि MDR है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को जो प्रोड्यूस होता है एंजाइम जिसको बोला जाता है बीटा लैक्टामेज, तो उस एंजाइम को ब्रेक करता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक इसके अंदर डाला गया है कि इन एफिकेसी होती है, और वो जो रिजल्ट देती है बैक्टीरिया के केस में तो रेजिस्टेंट कर देती है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करती है। तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि कंपेयर टू मेडिसिन इंग्रेडिएंट डाला गया है, जैसे कि इसके अंदर अमोक्सिलिन और कैल्विनिक एसिड डाला गया है, कैल्विनिक एसिड जो कि स्टॉप करता है एंजाइम को, और अमोक्सिलिन जो कि इनएफिकेटिव, और अमोक्सिलिन जो काम करता है किल करता है ट्यूबरक्लोसिस जिसके कारण बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज होता है। तो अगर इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली लिए जा रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, अबनॉर्मल पेन हो सकता है, दस्त लग सकती है, एलर्जी हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए इसको कैसे पिए, तो इसको जब भी पिए तो आप इसके डॉक्टर की सलाह से पिए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिए, जब भी पिए तो इसके लेबल को अच्छी तरह से देख ले, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रॉपरली देख, के अंदर जो स्ट्रेंड वाटर दिया है उसको मिक्स करके सेक करके इजिली पिए। तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि लिया जाता है फूड के साथ, तो काम कैसे करता है, तो Kelvon BID ड्राई सिरप जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल डाले गए अमोक्सिलिन एंड कैल्विनिक एसिड, अमोक्सिलिन जो कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के जो सेल्स वाला रहता है उसको प्रिवेंट कर देता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है तो वो नहीं मिलेगा, तो बैक्टीरिया वहीं पे डेड हो जाएगा। और कैल्विनिक एसिड जो कि क्या है कि ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस कर देता है और रेसिस्टेंट कर देता है बैक्टीरिया को, जिसके कारण दोनों ही साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसको जो किडनी या लीवर का कोई भी डिसीज है तो वो लोग नहीं ले सकते,
और इसका अल्टरनेट ब्रांड की बात करें तो एग्यूमेंटिन ड्राई सिरप है, एलमोन ड्राई सिरप है और मैग्नीकैलब डीएस ड्राई सिरप है, ये सब अल्टरनेट ब्रांड है। तो कैल्वम बीआईडी ड्राई सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।